फिरोजाबाद के थाना लाइन पार्क क्षेत्र के श्याम नगर इलाके में एक विवाहिता की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वालों ने ससुरालजनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे श्याम नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आकांक्षा गुप्ता नामक महिला की लाश को पुलिस ने कमरे के अंदर फांसी के फंदे से बरामद किया। घटना की सूचना पर पहुंचे मृतका के मायके वालों की माने तो पति अमित गुप्ता उसके परिवार ने मिलकर दहेज की खातिर पीट पीट कर हत्या की है। शव को फांसी के फंदे पर लटकाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या बात हो गई थी? मेरी लड़की को मार दिया ससुराल वालों ने। क्यों? भाई पैसे मांगते हैं, बराबर पैसे मांगते हैं। देखो अभी भी मांगे 100 स्क्रीन ले लो उसका मोबाइल से। अभी भी हमने 20,000 रुपए डाले हैं 3-4 दिन पहले। और लड़की को ऐसे मारा है, सारे हाथ पर लीले पड़ रहे हैं उनके। देख लो, भले ही जाके देख लो, अंदर जाके सबके नाम ले लो। किसने मारा है? पति ने, सास ने मारा है, ससुर ने मारा है, नंद ने मिलकर मारा है, सब ने मिलकर मारा है उसको। सब ने मिलकर मारा है। कहाँ की बात है ये? ये यही रामनगर की है, श्याम नगर की। सबने मिलकर मार डाला उसको दहेज के लिए। पूछो उनको जाके, देख।